गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 वाटर। क्या है आज का चैप्टर हमारा? चैप्टर 2 वाटर। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। आज का हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। मतलब पानी क्या है? पानी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वाटर क्या है? इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ड्यू टू इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के कारण इट इज़ नोन एज मैजिकल लिक्विड ऑन द अर्थ। उसकी क्वालिटी के कारण उसको अर्थ का क्या कहा जाता है? मैजिकल लिक्विड, मतलब जादुई जो लिक्विड रहता है वो कहा जाता है। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर सेवरल पर्पोजेज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। हमको पानी की ज़रूरत क्या रहती है, क्यों रहती है? बहुत सारे पर्पजेज के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए और कपड़ों की धुलाई करने के लिए, नहाने के लिए, क्लीनिंग साफ सफाई के लिए। इन एडिशन टू डेली यूज़, इसके उपरांत डेली यूज़ मतलब दैनिक ज़रूरतों में, वी ऑल्सो नीड वाटर इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इरीगेशन ऑफ फील्ड्स एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसी के उपरांत रोज़ के जो हमारी दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें रहती है उसके लिए भी हमें पानी ज़रूरी रहता है। जैसे कि सिंचाई करने के लिए, सिंचाई करना मतलब खेतों में पानी डालने के लिए और इंडस्ट्री प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का बहना क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करता है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ यूज इन स्टीम इंजन, बॉयलर इन शिप एक्सेट्रा। ज़्यादा अमाउंट में जो पानी है वो स्टीम इंजन में यूज़ किया जाता है, बॉयलर्स में और शिप्स में। मैनी प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म लिव इन अ वाटर। बहुत सारे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो पानी में रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द ऑक्सीजन इन सॉल्यूबल इन द वाटर। ये क्या रहते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं? जो पानी ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहता है उसके द्वारा सांस लेते हैं। वाटर इज देयर हैबिटेट, और पानी क्या है? उनका हैबिटेट है। वाटर इज ऑल्सो नीडेड बाई लिविंग बींग एंड ट्री प्लांट्स ऑन द अर्थ। वाटर किसके लिए ज़रूरी है? लिविंग बींग्स के लिए भी ज़रूरी है, प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। देयर इज़ अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब वाटर की क्या है? अलग एक इम्पॉर्टेंस है, मतलब वो उसका जो है वो अलग एक उसकी जानकारी अच्छी है, इम्पॉर्टेंस है, यूज़ अच्छा है उसका। इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो उसका मेन इम्पॉर्टेंस है वो क्या है? लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर विच प्ले डिफरेंट रोल इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी कितनी करती है? 70% जो पानी है वो अपने अंदर रख के रखती है, जो क्या करता है? एक अच्छा रोल बनाता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? डाइजेशन, फूड को पाचन करने में, खाने को पाचन करने में और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है। वाटर ऑल्सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वाटर क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इंपॉर्टेंस, अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी क्या है? जीवन के लिए पानी ज़रूरी है। प्लांट एंड ट्रीज एब्जॉर्ब ग्राउंड वाटर फ्रॉम देयर रूट एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर लेते हैं जड़ों से, और किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में। विथ दिस वाटर दे सिंथेसाइज देयर फूड। इसी पानी से ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ऑल फूड आइटम कंटेन वाटर। सभी फूड आइटम क्या करते हैं? वाटर, पानी को लेते हैं। डिफरेंट फूड आइटम कंटेन डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर इन दैम। ये क्या करते हैं? डिफरेंट, अलग अलग जो फूड आइटम रहते हैं ये पानी की दूसरी जो क्वांटिटी रहती है, ज़रूरत रहती है, उसको लेते हैं। सम फूड आइटम स्पेसिफाई द वाटर परसेंटेज इन देम। और कुछ पानी ऐसा रहता है स्पेसिफाई जो परसेंटेज भी बताता है। आवर बॉडी गेट्स वाटर। हमारी जो बॉडी है उसे पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सम अदर सब्सटेंस लाइक फ्रूट जूस, टी, कॉफ़ी, दाल ऑफ वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये क्या करता है? जो दूसरा सब्सटेंस ले रहता है, जैसे कि हमें पानी किस किस से मिलता है? जूस से, फ्रूट जूस से, चाय से, कॉफ़ी से, दाल से और वेजिटेबल के फाइबर्स से। आवर बॉडी कंज्यूम्स 2-3 लीटर ऑफ वाटर डेली। हमारी बॉडी है वो 2-3 लीटर पानी
डेली जो है उसको उसकी ज़रूरत रहती है। फूड आइटम परसेंटेज ऑफ वाटर, अब फूड आइटम्स जो है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ वाटर रहता है। ड्राई क्रिल्स कितना रहता है, 3 से 4%। एग अंडे में कितना रहता है, 73%। ग्रीन वेजिटेबल 90%। कुकम्बर ककड़ी 95%। टोमेटो 90%। टमाटर में कितना रहता है, 90%। पोटैटो आलू में कितना रहता है, 78%। मिल्क मतलब दूध, दूध में कितना रहता है, 88%। ठीक है, 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपके आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वाटर के सोर्सेज के बारे में समझाएंगे। अगर आपका या किसी बच्चे का ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग से छूट गया है या इसके पहले वाला चैप्टर जो छूट गया है, आप उसको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और इसके पहले वाले चैप्टर की कॉपी चेक करवाने आपको स्कूल में आना है।